अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज ईद है तो हम दादी की नमाज पढ़ने अभी हुए हैं। टाइम 6:25 हो रहे हैं और टाइम है हमारा 7:00। 7:00 हमें जाना है क्योंकि वहाँ पे तो बयान भी सुनना है। और आपसे सुना है आपने कैसा करा, मेरी तो तैयारी खुद एकदम ओके चल रही है। मैं तो रेडी शेडी होकर बस अभी नाश्ता करने लगूँ। नाश्ता करने के बाद मिलता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। जैसा कि इब्राहिम ने बताया, हम नमाज़ पढ़ने गए थे। नमाज से वापसी पर ही हमने कुछ जो है पिक्चर्स ली थी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बहुत प्यारी माशाल्लाह पिक्चर्स हैं। आप सब एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। बच्चों की पिक्चर्स भी बहुत अच्छी हैं। और इसके बाद हम जाने की तैयारी कर रहे थे। इब्राहिम फातिमा के चचा जान और चची जान ने हमें इन्वाइट करा था ईद के दिन, तो हमने नमाज पढ़कर मस्जिद से वापसी पर ही मिठाई ले ली थी। और जो है हम ये बहुत मज़ेदार मिठाई थी, मिठाई लेकर फिर हम उनके घर चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए हुए थे, बिरयानी, अचार गोश्त, कबाब, मीठे में शीर, और बहुत बहुत कुछ था, बहुत मज़ेदार था। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकल्ला। बहुत हमारा ईद जो है, ईद का मज़ा हमारा दुबाला हो गया। बहुत हमने एंजॉय करा ईद को। असल चीज़ होती है मिल बैठ कर इंजॉय करना, और साथ में मिलके खाना खाया। और फिर ये ईदियों का सेशन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ तो मुझे भी ईदी मिलेगी क्योंकि मैं इनसे छोटी हूँ, मेरी जेठानी है। तो चलें अब जेठानी जी से ज़रा ईदी वसूल करते हैं। आए आप भी हमारे साथ। फातिमा को ईदी मिल गई। फातिमा क्या कहते हैं? आदाब। इब्राहिम रख दी थी, नीला नोट तो नहीं रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। तो अब स्टार्ट हो गया है सेकंड डे ईद का। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, और मेरे हिस्से में आई है बिरयानी। बाकी सब मुख्तलिफ चीज़ें बना के लाएंगे, लेकिन मैं बना रही हूँ चिकन की देगी बिरयानी, और जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इतनी मज़ेदार के बिरयानी की शॉर्टेज हो गई थी। तो ये देखें, एक एक दाना दाना अलग, और माशाल्लाह भाप उड़ाते हुए बिरयानी के चावल। तो ये जो है तमाम बच्चे, मेरे मैके वाले जो बच्चे हैं, ये बैठ के खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर भी वही मकसद है, मिल बैठ के खाना खाना और टाइम को स्पेंड करना आपस में अच्छी तरह से। अच्छा, यहाँ पर एक सरप्राइज गेस्ट एंट्री हुई थी। ये मेरी स्कूल फ्रेंड है, मेरी बहुत प्यारी सहेली, और ये हमारे लिए बहुत मज़ेदार मिठाई लेकर आई थी। और अचानक से फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आई थी, तो फिर बगैर खाना खाए कैसे भेज देती अपनी सहेली को। और ये उनकी दो बेटियाँ हैं, एक बेटा है माशाल्लाह, और ये सबसे छोटी बेटी है उमायमा, बहुत ही प्यारी क्यूट सी डॉल जैसी। मेरी फ्रेंड खतीजा मेरे लिए बहुत प्यारे बैंगल्स लेकर आई थी। फिर हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करें, ये देखें, बच्चों के लिए बहुत ही क्यूट से कार्ड्स मैं ईदी लेकर आई थी। बच्चों को बहुत ही क्यूट लगे, ईदियाँ निकाल के इन्हें अपने रख ली हैं, और कार्ड्स जो हैं अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, जो भी बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। ये एक इब्राहिम है और एक फातिमा है, ऐसा लग रहा है। फातिमा ये कौन है? आयशा नाम है ना इनका, आयशा है ना। कौन है ये? ये कौन है? ये आपकी फ्रेंड है? कौन है ये? मम्मा की फ्रेंड की बेटी है ना, आपकी भी फ्रेंड हुई? ये मेरी मम्मा की फ्रेंड की बेटी। आप नाम बताएं अपना। आयशा। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? और फातिमा तो 1 क्लास में आ गई है ना। तो मज़ा आया आज आप दोनों को? आज पहली दफ़ा हमारे घर आई थी, है ना? बहुत मज़ा आया आज ईद का? कौन सा दिन? डे सेकंड डे। अच्छा चलो, बाय बाय। अब स्टार्ट हो गए जी असल चीज़। ये सबसे पहले मेरे छोटे भाई ने रिसर्च करी, और फातिमा को मिली, इब्राहिम को मिली। अब मेरी बारी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला के साथ रखे मेरे भाई ये सबको।
ये देखें, ये मेरी भांजियाँ हैं, ये सब बच्चे लाइन से बैठे। नहीं दीदी पैसे बेटा होने चाहिए, नोट कोई से भी हो। 75 वाला मिल रहा था, मैं वो ले आता। हाँ ना वो ले आते, मार्केट में ले नहीं रहे दुकानदार, वो उसने सब बच्चों को ही नहीं मिल रही है। सब अपनी अपनी चीज संभाल के रखना, फिर काउंट करके फिर नहीं मिलाओ नहीं ना फिर पता किसे चलेगा। नहीं नहीं अच्छे अच्छे रखो, मिला 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 लो मिला लो। अच्छा हो गई, सबकी हो गई। कौन सा सेशन चल रहा है, ये दूसरा तीसरा? चलो चलो मेरा अनंत को बैठा, दो पैसे मारे आपने भी उधर पे लेते जल्दी, इतनी दस बात। क्या कहते हैं दीदी लेते हैं जब? अच्छा है क्यों, क्या कहते हैं दीदी देते हो? जोर से तो वालेकुम अस्सलाम। चलो अब कौन रह गया भाई, पूरे हो गए बच्चे? अहमद रह गया, अनमता रह गई भाई, चलो अब अनमता रह गई शायद दीदी से। एक ग्यारह वाला ले लो और ये चार नोट ले लो। नहीं वो 200 रुपए, तुम 500 रुपए दे रहे हो, 300 रुपए मुनाफा हो रहा है। चलो भाई दी नोट, सबसे पहले मीरा बापी की, सौ सौ की दे दो मुझे, सबसे पहले मीरा बापी की। सनातन को तो बोला फूल बना लिया, इसका भी बोलिए ना सनातन को, चलो और देंगे किसको, बेगम को। हां सलाम, वालेकुम अस्सलाम, प्यारी मामा प्यारी बाबू, ये लो छपका छपका छपका, आला घर जाएंगे वो वाला रोना। जी तो अब ईदियों का सेशन जो ख़त्म हुआ, तो अब जनाब अब जो इन बच्चों ने रोज़े रखे थे तो उनको इनाम मिलना था। ये मेरी भांजी है अनमता, और इसने माशाल्लाह पूरे के पूरे 30 रोज़े रखे। तबीयत ख़राब हुई, सर में दर्द हुआ,
लेकिन फिर भी इसने माशाल्लाह एक रोज़ा भी नहीं छोड़ा, तो उसको इनाम मिला, भाई ने इनाम दिया उसको। और ये इसके बाद हमारे इब्राहिम हैं, इन्होंने भी जैसे तैसे करके, इनकी भी तबीयत बहुत ख़राब हुई, मगर इनके पूरे रोज़े तो नहीं हो सके, पूरे 30 रोज़े नहीं, 26 रोज़े रखे माशाल्लाह। कहिए हौसला अफज़ाई कीजिए। और ये मेरी भांजी जो मीरब है, उसने मेरे पाँव में मेहंदी लगाई, बहुत ही प्यारी। चलो भाई, सारे बच्चों को ईदी मिल गई जी, सबको। चलो, और कितनी कितनी ईदी हुई, किस किस की कितनी कितनी हुई भाई? मेरी 15। और मुजम्मिल आपकी? अच्छा, इब्राहिम आपकी? 16। और मीरा बनमता? 18। सेम सेम हो रही है सबकी। और अस्मा सारा? 13। और अहमद आपकी? 17। अच्छा, सबसे ज्यादा किसकी हुई है? मीरा बनमता की हुई है ना। अभी एक दिन बाकी है ईद का, अब ईद अपनी अपनी ईदी से क्या करोगे, क्या क्या कितनी खर्च कर दी ये तो बता दो। 500 खत्म कर दिए चीज खाने में। और किसने कितने खर्च करी? आप लोगों ने नहीं करी? वो अच्छा, चलो अब हमारे अच्छा चलो भाई, अब फिर अब ईद खत्म, एक दिन बाकी है ईद का। सही है, अब हमारे ईदियों का सेशन खत्म हो गया, अब जो है अब हम फिर मिलेंगे बाद में, ठीक है? चलो सही है, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज।